अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबका क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है और आज हम बना रहे हैं मटन। और मेरी मामा जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं और ये हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर आपने देखना है और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चले इसी के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, के हाल है? ठीक हो? इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं ते अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ते आज असी बनाने लगे हाँ मटन। ते 1.5 किलो मेरा मटन है, ते एक कुछ है लहसुन अदरक हरी मिर्च, ते दही 3 चम्मच, कोई पेस्ट है टमाटर का, 2 बड़े बड़े टमाटर हैं उसका पेस्ट बना ले। ये कोई खड़े मसाले, जायफल जबत्री, मोटी इलायची, छोटी इलायची, कड़ी पत्ता, थोड़े लौंग 4-5, जीरा पाउडर, जीरा साबत है। ठीक है, ये रेसिपी कर दें शुरू। 2 दरमियाने साइज दे प्याज, 1.5 किलो दे आयल डाल दे, एक 2 चम्मच, क्योंकि गोश्त बिच अपना भी चिकनाई होंगी, तो 2 चम्मच अगर जरूरत पी तो फिर थोड़ा डाल लसन थोड़ा जो डाल दें। इसकी बुनाई करते हैं प्याजा की। बुनाई करके माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बन सी मटन की, तो इतना कोई खर्चा भी नहीं है, बस घर के सारे मसाले नो ते बनसी बहुत मज़ेदार। ये प्याज हो गए ब्राउन, ते माशाल्लाह जो डाल दें खड़े मसाले, कुछ मिर्चन, एक बड़ी मिर्च, लहसुन, अदरक जी नहीं पानी और ठहर के डाल दें गोश्त। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गोश्त आज बड़ा प्यारा बना के दिता, अल्लाह ताला मुझको तंदुरुस्ती दे आप लोगों को भी। 1.5 किलो मेरा गोश्त है माशाल्लाह, देखो मैं कितना मजे का बना के दिखा। एक डाल दें 8 चम्मच नमक, साथ ही डाल दें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, दूसरी बार इसकी थोड़ी जी इन्हें नाल कर दें बुनाई, ताकि नमक ते खड़े मसाले का जरा खले बारे ना गोश्त के अंदर चला जाए जी। इसकी हो गई बुनाई, वेखो ना कितना आयल आ गया। लौंग डालते हैं इसके अंदर, टमाटर, टमाटर फ्रीज होए होते होना आपके अंदर पिघल गया। ठीक है, अदरक का पेस्ट, ओके, इसके अंदर हो गया पानी, थोड़ा जहा पानी डाल के ना लहसुन में थोड़ा 10 मिनट का लहसुन पेट थोड़ा जहा पानी डाल सक थोड़ा गल जाए, फिर इसकी बुनाई कर सौ। ठीक है, कुकर पत्तियाँ बंद, माशाल्लाह कुकर खोल दें, 10-12 मिनट हो गए, माशाल्लाह कुछ गल गया तो कुछ होने से बुनाई हो सी ना बिच पा के चीजा, तो कुछ उस टाइम फिर कुकर दही है 3 चम्मच, एंटिया कोई नहीं वैसे 3 चम्मच में दही डाल सा, इस नाल इसका टेस्ट बहुत मजे का बनता है दही नाल। मसाले
हल्दी तो मैं पहले डाल दी है, एक चम्मच मिर्चा नहीं, ज्यादा नहीं, कि आज खान वाले कहते नहीं मिर्चा कम रखे है। धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्चा, दूसरे मसाले तो मैं पहले ही डाल देते हैं, खड़े मसाले किसी हूँ करसा अच्छे तरीके बुनाई। पूरी रेसिपी वेख्या करो थोड़े वास्ते बनी, पूरी रेसिपी वेख्या करो बहुत मजे का सालन बनता घरेलू, कोई इस चीज नहीं है कि ज्यादा हूँ मैं इतना मुश्किल मुश्किल चीजा डाल रही हूँ, हर चीज थी जरा नॉर्मल घर सालन बनाते हो ना बिल्कुल वह मसाले, सिर्फ इस थोड़े वो खड़े मसाले वो थोड़ा दिल चाहता तो तुम ऐड करो, नहीं चाहता उसका जरा टेस्ट थोड़ा अलग होगा, जो तुम शख्स किलती कर सकते हो जी थोड़ी चीज मर्जी दी वो डालो, लेकिन इस तरीके नाल बनाओ बहुत मजे का मटन बनती। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी देवे, इंशाला हो गया इस आयल अलहदा हो गया, अच्छे तरीके नाल बुनाई हो गई इसकी, हूँ इस भी डाल दें क्योंकि माशाला पहले ही जरा 10-12 मिनट बंद किया ना कुकर उस नाल काफ़ी गल गया, बस हूँ तकरीबन 10 मिनट और बंद कर स ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बंद करके तो फिर माशाला जी माशाला इतना सारा लहसुन क्योंकि थोड़ा विच हल्का हल्का शोरबा भी रखना ना तो इसन बंद कर दें, माशाला पहले भी काफ़ी गलिया पे ना इसन मैं थोड़ा चेक कर लवा, हाँ काफ़ी गल गया हूँ, बस थोड़ा तकरीबन 8-9 मिनट का वेट ला स ठीक है जी, चेक कर दिया होया कितों तक पहुंच जी, देखते हैं कितों तक पहुंचा माशाल्लाह जी, सालन बन के हो गया तैयार, इस भी डाल दें मेथी क्रश करके मैं पहले ही रख ली है, मेथी मैं डाल दी थी जो डाल दी गरम मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह इतना माशाल्लाह जबरदस्त तैयार होया, ये डाल दें धनिया बस माशाल्लाह जी बहुत अच्छा तैयार होया, इसन मैं एक मिनट वास्ते बंद कर दिया चाहता कि चीज़ा की खुशबू गोश्त भी चली जाए, हो गई तैयार कर दे डिश आउट जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सालन हो गया तैयार ते माशाल्लाह जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनया मटन हो ते बहुत अच्छा बनया सालन हो, तुसी भी बनाओ ट्राई करो, फिर मैसेज करके फिर दसिया है कि थोड़ी रेसिपी किस तरह लगी है, तुसी भी ट्राई करया है, इंशाल्लाह मेरी अच्छी बनी थोड़ी भी अच्छी बन सी, ते लाइक शेयर जरूर किया करो और जो चैनल ते नवे हो वो सब्सक्राइब भी किया करो, आपका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ और न्यू रेसिपी के साथ, और आई होप आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और चलें अल्लाह हाफिज, चैनल को लाइक शेयर करें अगले सब्सक्राइब जरूर करना, अगले व्लॉग में मिलते हैं ठीक है जी, अल्लाह हाफिज नई रेसिपी ना।